अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदीद। ट्रेनिंग 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 के बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, डाइट कैसी करनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग के साथ अगर आपने वेट कट डाउन करना है तो डाइट कौन सी होनी चाहिए, अगर आपने थोड़ा गेन करना है, स्ट्रेंथ लानी है तो डाइट कौन सी होनी, ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रेनिंग करेंगे बाइसेप्स, बाइसेप्स एक्सरसाइज। बाजू शेप ना हो तो अच्छे नहीं लगते, स्ट्रेंथ ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने वेट उठाना है फिर भी आपके आर्म स्ट्रेंथ चाहिए, शोल्डर करना है फिर भी, चेस्ट करना है फिर भी आपको। लेकिन उसमें कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रेनिंग की डिफरेंट कैटेगरीज है, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, कोर एडवांस ट्रेनिंग। डायरेक्ट ये देखना है कि बिगनर लेवल पे हो आप, कौन से लेवल पे, वो ट्रेनिंग आपने चूज़ करनी है। यूं ही उठ के आपने फ़ौरन कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, इसलिए मैं चीज़ें साथ साथ मेंशन करता हूँ कि ये बिगनर एक्सरसाइज है, फॉर बिगनर्स। बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जिसमें हम सिर्फ बाइसेप, फ्रंट बाइसेप्स को हिट करेंगे, कहीं भी हम कर सकते हैं। थोड़े से वेट की ज़रूरत है, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी ट्रेनिंग करनी है, ये ट्रेनिंग करनी है आपने बेसिक, जो आपको मालूम होनी चाहिए। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, आपने वार्म अप करना है, पुशअप्स कर लें, लेकिन उससे पहले अपने शोल्डर और आर्म को मूव करें सर्कल में, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, विंटर चल रहा है, तो जाने से पहले जो है ना, आप कॉफ़ी या ग्रीन टी अगर आपको अच्छी लगती है तो उनमें से कोई एक पी जाएँ, ताकि थोड़ी सी कैफीन और बूस्टिंग एनर्जी आपको मिल जाए। और स्ट्रेच रिदम में, इसको मैं स्लो मोशन में कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक रिदम में 1 मिनट ऐसा करते रहना, फिर राइट टू लेफ्ट आपने मूव करना है, 1, 2, 3, 4, ये वार्म अप एक्सरसाइज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ईच साइड, ये आपने रिदम में करना है। कोई भी एक्सरसाइज है, वार्म अप वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि मसल स्टिफ हो जाएगा, टिश्यू ब्रेक होंगे, फिर आप कहेंगे जिम को दफा करो, छोड़ दो, हमने एक्सरसाइज नहीं करनी। चले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स के लिए, बेसिक एक्सरसाइज है। डंबल्स हमें चाहिए और ये है डंबल्स। शुरू शुरू में जाके सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं कि एकदम जाके थोड़ा सा जोश आया और हैवी वेट उठाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। परफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, गलत झटका नहीं देना, राइट एंड रॉन्ग मैं दोनों आपको बताऊंगा कि मोस्टली लड़के क्या गलती करते हैं बाइसेप की ट्रेनिंग लगाने में। हम इसको इस साइड से लेते ताकि प्रॉपर आपको पता चले बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। ये झटका दिया, अब इसमें मेरे शोल्डर मूव कर रहे हैं, बाइसेप मूव नहीं कर रहा, ये रॉन्ग है। 1, 2, 3, 4 शोल्डर मूव कर रहे हैं, आपको मूवमेंट से पता होगा, ये है रॉन्ग। अब इसको राइट कैसे लगाना है, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बाइसेप्स को अपने बैक के साथ, अंडर आर्म के साथ फिट कर लें, देन इसको 1, नाउ मूवमेंट राइट, ये राइट पोजीशन है, 2, 3, 4 अब सिर्फ बाइसेप मसल मूव कर, अब शोल्डर नहीं, हमने बाइसेप को हिट करना है, शोल्डर को नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राइट और रॉन्ग, ये दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आपको पता चले, बिगनर को ट्रेनिंग करने में आसानी हो। रॉन्ग मैंने बताया आपको, झटका दे के यूँ उठा रहे हैं, शोल्डर मूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बाइसेप तो बना नहीं, शेप आ नहीं रही, शोल्डर बन गया जिसको हमने पूछा ही नहीं है, झटका नहीं देना। पाँव की पोजिशन और शोल्डर विड्थ ये एक लेवल पे होना चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं जिम में, ये मेरा शोल्डर लेवल है, पाँव इतना वाइड करके यूं झटका देंगे, 1, 2, 3, 4 ये रॉन्ग है। मैक्सिमम आपके पाँव की विड्थ, स्पेस आपके शोल्डर जितना है वो होनी चाहिए, ताकि मसल पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपकी हो, ये आपने करना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रिजल्ट एक वीक के अंदर मिल जाएगा। और इसको स्लो मोशन में बाइसेप को फिक्स करके चेस्ट अप और बैली को लूज नहीं करना, एक शेप में टाइट करके, देन 1, 2, 3,
4, 5. फर्स्ट एक्सरसाइज राइट एंड रॉन्ग दोनों मैंने आपको बताया. उसके बाद बाइसेप पीक एक्सरसाइज सेंटर शेप के लिए, ये भी बिगिनर्स के लिए है. इसको मैं राइट एंड रॉन्ग दोनों बताऊंगा. फर्स्ट रॉन्ग, इसको आपने हैमर शेप में लेना है, ग्रिप करना है, वेट आपके नॉर्मल हो स्टार्टिंग में ताकि परफेक्शन आ जाए, आपको पता चले कि मैं ठीक लगा रहा हूँ. सेम उसी तरह क्या करते हैं, इसको बैक टर्न कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4 और इधर उधर देखते हैं. सेट में लगा रहा हूँ, आवाज़ आ गई है, इधर उधर देख. इससे क्या होता है कि मसल कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, मे बी पेन भी निकले आपको मसल में, तो इन चीज़ों से दूर रहना है. ये रॉन्ग है. अब इस पे टर्न करने से आपके एल्बो पे प्रेशर आएगा, फिर उस पे क्या होता है कि पता नहीं क्यों यहाँ दर्द क्यों निकले, क्योंकि झटके की वजह से. अब इसको मैं राइट लगाऊंगा, पोजीशन उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट, देन इसको शोल्डर लेवल पोजीशन पे लेके आना है, टर्न नहीं करना. नाउ 1, 2, 3. अब ये लगाते बाइसेप पीक आपको फील होगा, ये बाइसेप पीक के लिए शेप के लिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sets, स्टार्टिंग में 10 reps, फिर आप उसको 15 तक ले जाएं. बिटवीन सेट मौसम विंटर चल रहा है तो आप 30 सेकेंड तक ब्रेक रखें ताकि मसल जो है ना आपका एक वार्म एक रिदम में रहे और आप एक्सरसाइज करो और आपको रिजल्ट अच्छा मिले. ट्रेनिंग से पहले मैंने बताया कॉफ़ी या ग्रीन टी, 1 or 2 एग वाइट आप करके जा सकते हैं. अगर आप वेट कट डाउन भी कर रहे हैं फिर भी ठीक है, अगर आप फिटनेस भी चाहते हैं फिर भी ठीक है. कॉफ़ी, ग्रीन टी और 2 egg whites बॉयल्ड, वो आप ट्रेनिंग से पहले इस फूड को आप रखें एनर्जी लेवल ताकि अच्छा रहे. उसके बाद इसको हम सिंगल के साथ करेंगे डंबल. बेसिक एक्सरसाइज नॉर्मल पोजीशन में इसको आप हाथ कर लें, कंसंट्रेशन कर, सिर्फ हमें ये पीक लेवल चाहिए. अब इसमें मैं रॉन्ग बताऊंगा कि जिम में क्या गलती करते हैं. डिफरेंट पोजीशन है, वैसे इसकी मशीन भी है लेकिन इसको फ्री हैंड हम ऐसे कर सकते हैं. रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. अब इसको लगाते आपने देखा होगा मेरे एल्बो पे और शोल्डर परफॉर्म कर, थर्ड मसल मेरा बाइसेप आ रहा है, जबकि थर्ड मसल बाइसेप नहीं, शोल्डर एल्बो, फर्स्ट आपका बाइसेप पीक होना चाहिए. ये रॉन्ग है. 1, 2, 3, 4 ये रॉन्ग. अब राइट पोजीशन, आपके शोल्डर और बाइसेप एक पोजीशन में रहे, देन स्लोली मूव. 1, 2, 3 पीक के लिए शेप के लिए. फिर कहा जाता है जी बाइसेप बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें परफेक्शन नहीं है. अगर आपको लगता है कि मेरा बाजू मूव हो रहा है तो आप इधर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये ठीक एंगल में लग रहा है. 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम लाइक अदर साइड. उसको आप राइट एंड लेफ्ट कोई इशू नहीं है, ये शोल्डर और बाइसेप एक पोजीशन में होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एक्सरसाइज. लेकिन इसके एंड पे आपने क्या करना है, पुशअप्स, लेकिन पुशअप्स डिफरेंट एंगल, वो आपने डायमंड शेप में ले, इसको हम डायमंड शेप पुशअप्स कहते हैं. वो शेप यूं बनेगी हाथों की, इसको हम करते हैं और साथ बताता हूँ. स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा लेकिन हम हाथ वाइड थोड़े कर सकते हैं, लेवल अच्छा आ जाएगा. ये बिगिनर्स के लिए, अगर इंटरमीडिएट लेवल पे जाना चाहते तो वो ये क्लोज शेप आएगी इस तरह, लेकिन हम बिगनर्स में तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको वाइड करेंगे.
ये बाइसेप शेप के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ओके चलें करें। वन, अब इसमें एल्बो पोजीशन स्ट्रेट इस तरह जाएगी, ना इसको राइट लेके जाना है, ना आगे की तरह, ना पीछे की तरह, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। बेसिक एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए, राइट एंड रॉन्ग दोनों मैंने आपको बताया। अगर आप जिम में जाते हैं, आपको किसी ट्रेनर कोच की ज़रूरत नहीं। ये ट्रेनिंग आप देखें और वर्कआउट आप स्टार्ट, ओनली फॉर बाइसेप। मौसम, डाइट, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। डाइट भी हम डिस्कस करते रहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डाइट, ट्रेनिंग टिप्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। और खुश रहें, फिट रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।